बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल टेस्ट डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए जहाँ पर हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। बात करेंगे ऑल इंडिया नॉर्थ जोन के कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर मेल के लिए हाइट मांगी गई है 162 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके चेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर ओनली फॉर मेल के लिए 80+5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड चेस्ट मांगा गया है। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपकी रनिंग के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर मेल के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है, वहीं फीमेल को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल, SI एवं और भी विभिन्न सारे पदों पर सीधी भर्तियाँ होने जा रही है। जहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर ट्रेड नेम के बारे में, तो यहाँ पर SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप, हेड कॉन्स्टेबल मास्टर, हेड कॉन्स्टेबल इंजन ड्राइवर, साथ में हेड कॉन्स्टेबल यहाँ पर मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, साथ में हेड कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रिशियन, हेड कॉन्स्टेबल AC टेक्नीशियन, हेड कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में हेड कॉन्स्टेबल मशीनिस्ट, हेड कॉन्स्टेबल कारपेंटर, हेड कॉन्स्टेबल प्लम्बर, साथ में CT क्रू के लगभग 130 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। जहां पर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहां पर लगभग 281 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको BSF की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो बनाऊँ तो मैंने पर 100 लाइक का टारगेट रखा है, अगर आप लोग ये पूरा करते हैं तो मैं इसका ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो बना दूंगा। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के मेल एवं फीमेल यानी कि पूरे भारत के महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं, साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में आपकी एज लिमिट क्या है, ताकि हम आपके राज्य, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में एज लिमिट से संबंधित सभी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाए, कोई भी अपडेट आपसे मिस नो पाए। फ्रेंड्स पर सबसे पहले बात करेंगे इस भर्ती के लिए आपके अप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर जनरल OBC के लिए 200 रुपये, SST के लिए 100 रुपये अप्लीकेशन फीस लगने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच है तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर SST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, राइटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में मेडिकल एग्जाम एवं मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट डिग्री पास हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे इस भर्ती के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है लगभग 21,400 रुपये पर मंथ की। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27 जून 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 27 जून 2022 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।